हेलो आज व्हाट्सअप कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ GFX टूल के ऊपर कि क्या GFX टूल यूज़ करने से मैं बैन हो जाऊँगा। भाई मैं बैन होगा अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं GFX टूल का सेफली यूज़ करूँ, इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट कर बताना, और बहुत ही अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो का टारगेट मैं 100 लाइक का रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों मैं ये गेम प्ले के साथ ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये गेमिंग मतलब कि ये वीडियो बोरिंग ना लगे और आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो में यह है कि क्या मैं GFX का यूज़ करूँगा तो क्या मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। भाई मेरा अकाउंट तो बैन हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों GFX टूल आखिर है क्या। तो GFX टूल एक ऐसा टूल है जो कि पबजी को ग्राफिक को इन्हेंस करता है, ठीक, जो कि पबजी के ग्राफिक को इन्हेंस करता है, FPS को इन्हेंस करता है स्पेशली। अगर आपका फ़ोन एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं करता है, अगर आपका फ़ोन सिर्फ हाई ही सपोर्ट करता है या अल्ट्रा ही सपोर्ट करता है तो उसको एक्सट्रीम पर ले जाता है, 60 FPS तक अनलॉक कर देता है। और सिर्फ 60 FPS तक अनलॉक ही नहीं करता बल्कि इसको और आगे तक भी ले जाता है। लेकिन जितने भी कम्पिटिटिव प्लेयर होते हैं या नॉर्मली जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है पबजी का, वो होता है स्मूथ पर एक्सट्रीम का। और जितने भी हाई रैंक के बंदे होते हैं जो कम्पिटिटिव खेलते हैं वो लोग भी एक्सट्रीम पर ही खेलते हैं और स्मूथ पर खेलते हैं, ठीक। तो GFX टूल हम उन गरीब बंदों के लिए है जिनके पास उतना अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है कि वो आईफोन ले पाए। बात समझ में आ रही है। GFX टूल वही यूज़ करते हैं जिनके पास आईफोन नहीं है या 30,000-35,000 का कोई डिवाइस एंड्रॉयड का नहीं है जिसमें मतलब कि पबजी पूरा मक्खन की तरह एकदम बटर स्मूथ चले। तो GFX टूल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास 10,000 का फ़ोन है, 8,000 का फ़ोन है, 7,000 का फ़ोन है, और उसमें हम लोग सोचते हैं कि मॉर्टल के तरह, रेगल टॉस के तरह, मैक्ट्रन ये सब के तरह पूरा गेम एकदम स्मूथ चले, एकदम मक्खन चले। तब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि भाई कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मेरा पबजी अच्छा से चले। तो बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन देने वाले बहुत सारे हैं, एक GFX टूल हो गया, फिर बैट जी हो गए, उसके बाद और सारे टूल है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलेंगे और अदर वेबसाइट पर भी मिलेंगे जो प्ले स्टोर से अलग है, वो इस तरह का टूल देते हैं जो कि ग्राफिक को इन्हेंस कर दे, FPS को इन्हेंस कर दे। और बहुत सारे ऐसे भी चीट करने वाले एप्लीकेशन है जो कि आपको अलग से मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बेशक है कि आप बैन होंगे, और बैन कब होंगे, जब आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो। क्योंकि उन सारे जो अदर वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें मालवेयर छुपा दिया जाता है, और ऐसा ऐसा चीज़ रहता है कि जो कि पबजी के डाटाबेस में इंटर करके उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। और पबजी सख्त निर्देश दिया हुआ है कि अगर मेरे डाटा में, मेरे OBB फाइल में या कोई भी फाइल में अगर कोई भी अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। ये पबजी साफ साफ लिखता है हर एक अपडेट में कि एंटी चीटिंग बहुत ही हाई लेवल पर कर दिया गया है, अगर कोई भी बंदा अगर चीट करता है पबजी के एप्लीकेशन के साथ या कुछ भी हैक लगाता है तो वो बैन हो जाएगा। तो GFX टूल आप तभी यूज करें जब आप एक कम्पिटिटिव प्लेयर नहीं है, जब आपका एक यूट्यूब चैनल नहीं है, जब आप पबजी से आपका कोई कैरियर नहीं है, बस आप इसलिए पबजी खेलते हैं कि बस मैं इंजॉय ले सकूं और जो भी टाइम पास है मतलब कि 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा ही पढ़ाई वढ़ाई के बाद या कोई काम करने के बाद मैं अगर पबजी खेलता हूं, रिलैक्स करता हूं, तो अगर उसमें अगर मेरा FPS अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर मैं किस तरह से रिलैक्स करूंगा। तो इसीलिए GFX टूल वही यूज़ करते हैं जो कि मतलब कि सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं, सिर्फ गेम का मज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन जिनका भाई यूट्यूब चैनल है तो वो तो एंड्रॉयड लेंगे ही नहीं, और लेंगे भी तो इतना हाई रेंज के लेंगे कि उसका ऑटोमेटिक अनलॉक रहेगा स्ट्रीम का। लेकिन उन बंदों के लिए जिनका हाई ही अनलॉक रहता है, सिर्फ 30 FPS पर खेलते हैं, वो बेशक यूज़ कर सकते हैं GFX का, क्योंकि उनको तो सिर्फ मज़ा लेना है। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कम्पिटिटिव के लिए GFX यूज़ करें तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका हर एक चीज़ बेकार हो जाएगा। और जो लोग सिर्फ मज़े के लिए खेलते हैं वो भाई यूज़ करो, मान ली कि बैन हो ही गया तो क्या दिक्कत है, फिर से नया अकाउंट बना लेंगे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कुछ स्किल्स इसमें बढ़ जाएगा, आप इसका डैमेज गन का बढ़ जाएगा, वेस्ट का डैमेज बढ़ जाएगा, ये वो कुछ नहीं है। बस पबजी है सिर्फ स्किल्स पे, और कुछ जो ड्रेसेज है वो आप UC से खरीद सकते हैं, खरीद कर या बिना ड्रेस के भी आप गेम को काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। ड्रेस ये सब मायने नहीं रखता इस गेम प्ले को अच्छा करने के लिए, आपका स्किल्स क्या है वो इसमें डिपेंड करता है। तो यही था इस वीडियो में, मान लीजिए कि अगर आप बैन हो जाते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, नया अकाउंट बना लेना है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं तो आप GFX का यूज मत करें।
अगर आप खेलना चाहते तो, अगर ये आपका यूट्यूब चैनल तो भी आप यूज़ ना करें। लेकिन वैसे तो भाई मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ जी एफएक्स टूल का, मेरे तो अभी तक बैन नहीं हुआ, एक बार भी अकाउंट बैन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे में। और मैं काफ़ी आसानी से जी एफएक्स टूल को अल्ट्रा से एक्सट्रीम पर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन है Realme 3 Pro और ये सिर्फ स्मूथ पर अल्ट्रा ही चलता है, लेकिन मैं इसे जी एफएक्स यूज़ करके एक्सट्रीम पर लेकर खेलता हूँ। काफ़ी मक्खन एक्सपीरियंस आता है भाई, काफ़ी मक्खन एक्सपीरियंस। तो बस ऐसा करता हूँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, एक बार फिर से करना चाहते हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, खराब लगे तो डिसलाइक करना, और जो भी कमेंट है वो हमें आप कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर दो कि क्या वो जी एफ एक्स का यूज़ करें या ना करें। तो चलिए दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जय हिंद।